फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम आपको सॉक्स बनाना बताएंगे जिसमें अंगूठा भी रहेगा एंड एड़ी भी रहेगी, मतलब दोनों बनेगा। एंड बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जल्दी से बताऊंगी, दो कलर में बताऊंगी। आप चाहो तो बचे ऊन से भी बना लो, बस दो कलर में बनाऊंगी। वैसे भी ऊन ज्यादा नहीं लगता है, बट इसे बनाना हम अभी शुरू करते हैं। पहले हम आपको बता दें, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर क्या होता है, ऊलन है ना। जैसे कहते हैं ये 6 ही नंबर में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊलन है जिसका बहुत बड़ा पैर हो उसको नहीं आएगा सिर्फ, बाकी ये लगभग लगभग सभी को हो जाता है। अब देखिए, जैसे जिसका थोड़ा सा बड़ा पैर है तो वो थोड़ी सी लाइनें जो है हमारी खिंची खिंची आती हैं, जिसका परफेक्ट होता है उनके पास परफेक्ट हो जाता है। बस फर्क इतना है, तो 5, 6, 7 तीनों नंबर की ये सॉक्स पहन सकती हैं। तो सो गाइस, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे डिजाइन आप ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ठंडी भी आने वाली है, इस मंथ से स्टार्ट भी हो जाएगी। अभी अभी आप बना लोगे तो नेक्स्ट मंथ में पहनोगे इसके लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ फंदे डाले, कितने, 47, 47 फंदे डाले हैं। इसके बाद बनाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर हमें कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस प्रकार से हम पहले सिलाई को कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब देखिए दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई में क्या करना है, जो जैसे दिख रहा है सीधे वाले को सीधे बुनना है, सीधे पे सीधा, धागा आगे, उल्टे पे उल्टा। जैसे मतलब आप बॉर्डर बनाते हो उसी प्रकार से आपको बनानी है, कंटिन्यू बार बार। अब दूसरी सिलाई ऐसे फिर तीसरी, मतलब सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। इस प्रकार से कम आप 10 से 12 सिलाई बना लो। तो ये देखिए 12 सिलाइयां हमने कंप्लीट कर ली। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए सीधी से आप आराम से गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 सिलाइयां हमने बुन लिया। अब इसके बाद देखिए अपना लगाएंगे दूसरा कलर, उल्टे की तरफ आ गया। उल्टे की तरफ एंड अपना दूसरा कलर लगा लिया। हो गया। अब देखिए गाइस, उल्टे की तरफ से जब हम कलर लगाएंगे तो सारे फंदे को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे। आप ये कोई भी कलर लगाओ ना, अब इसे अपना लपेटना चाहो तो लपेट दो, नहीं तो बाद में गांठ बांध के काट लीजिए, नहीं तो आप इसी प्रकार से कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसे उल्टा उल्टा बुनकर हम पहली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। हो गई एक सिलाई, देखिए उल्टे की तरफ कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड सीधे की तरफ से पहले को स्लिप किया, बाकी के सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। हो गई गाय, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। तो जैसे हमने दो सिलाई बनाई है, अब ध्यान से देखिएगा, ये अब दो सिलाई हम इस कलर से, दो सिलाई इस कलर से, दो सिलाई इस प्रकार से। जो कलर हम लगाए हैं यहाँ पर पर्पल कलर का, इससे हम 4 लाइन बनाएंगे। 4 × 2 = 8 सिलाइयाँ, मतलब इससे रहेंगी, एंड 6 × 2 = 12 सिलाइयाँ इसकी। तो सब मिला के आपको ये याद करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 लाइनें में आपको पर्पल कलर की 4 लाइनें डालनी है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एड़ी हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप 4 लाइनें इस कलर से कंप्लीट कर लीजिए। तो हो गई गाइस, देखिए 4 लाइन हमने पूरा कर लिया, 1, 2, 3, 4। और ये देखिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए हम आपको बनाएंगे, बताएंगे एड़ी बनाना, किस प्रकार से हम दोनों तरफ एड़ी बनाएंगे। तो होगी, सबसे पहले हम अपने कलर को चेंज करेंगे, उल्टे की तरफ 12 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ग्यारह बारह, बारह फंदे बिन लिए हमने। अब देखिए इधर आइए आप राइट साइड, यहीं से आप टर्न कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को आप ऐसे स्लिप कर लो, ऐसे धागा आगे कर लो, इसके बाद उल्टा बनाओ। होगी इस प्रकार से, यही बारह फंदे बुने आप, बुनिए इसके बाद यहीं से टर्न कर लीजिए। एक बार आप और देख लीजिए, जब इस प्रकार से आप बनाओगे तो लास्ट में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, फंदा आपको बहुत ही आसान तरीके से उठ जाएगा। इसके लिए जब भी आप राइट साइड सीधे की तरफ से जब टर्न करो आप, इधर तो साइड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही उल्टा बुन लो स्लिप करके। ये राइट साइड सीधे की तरफ जब भी बनाओ आप, ये ऐसे स्लिप कर लो, धागा आगे करके तब बनाओ। इससे क्या होगा ना, साइड में ये चैन हमारा पड़ता जाएगा। तो कितने लाइनें हमें बनानी है, ये 12 लाइनें, 12 फंदे एंड 12 लाइनें। तो पहले आप 12 लाइनें बना लीजिए। तो ये देखिए 12 लाइनें हमने बना ली, 2, 4, 6, 8, 10, ये 12। अब 12 लाइनें जब हम बना लेंगे, 12 फंदे से 24 सिलाई, मतलब 12 लाइन। इसके बाद आइए उल्टे की तरफ। अब देखिए सारे फंदे को हमें उतार लेनी है, कैसे, दो फंदे को एक साथ बुनेंगे, दो फंदे को एक साथ इस प्रकार से हम सारे फंदे को उतार लेंगे। और सारे फंदे को उतारेंगे, लास्ट में एक फंदा आपका बच जाएगा सारे फंदे उतारने के बाद। ये हो गई, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। हो गई, ये देखिए लास्ट के एक फंदे आपके बच गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब आइए ये सिलाई में। अब फ्रेंड्स देखिए, यही जो आपकी चैन है, यही चैन आपको उठा लेनी है ऐसे, दोनों चैन नहीं उठानी, सिर्फ एक चैन, देखिए एक, ये ऐसे ध्यान से देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये 12 हो गई। 12 फंदे हमने फिर से ले ली सिलाई में। अब 12 फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो हो गई गाइज, अब देखिए पहले फंदे, वो वाला फंदा है जो हमने बुना था, अब इसके बाद देखिए ऐसे ही हम सारे फंदे को बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसके बाद देखिए 12 ही फंदे हम बनाए थे, फिर से हमारा 12 ही फंदा हो गया। अब इसके बाद सारे फंदे को हम इसी कलर से बुन लेंगे उल्टा उल्टा। अब देखिए एक एड़ी हमारी बन गई, अब इधर राइट साइड, अब इधर भी हम 12 ही फंदे 12 लाइनें फिर से बनाएंगे, जैसे इधर हमने बनाया सेम टू सेम, अब वैसे इधर भी बनाएंगे 12 फंदे की 12 लाइनें। अब देखिए इधर भी, अब इधर देखिए यहाँ भी हमारी 11 लाइनें कंप्लीट हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसे हमें 12वीं लाइन में ही उतार देनी है, नहीं तो एक फिर एक फंदा ज़्यादा हो जाएगा और जाली पड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। देखिए 1, 2, 3, 4 जैसे हमने उस साइड आपको बताई थी, 5 जैसे मैंने उधर आपको बताई थी ना कि आप पूरे सिलाई के फंदे को उतार लीजिए, एक फंदा एक्स्ट्रा रखिए जो लास्ट के फंदे हैं, तो इसमें भी आपको वही करने हैं, सारे फंदे को आप उतार लीजिए, लास्ट के फंदे को आप एक फंदा जब रह जाए तो उसी में छोड़ दीजिए। ये हो गई, अब देखिए हो गई ना 12 लाइनें, ये
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक लाइन ये 12 हो गई। अब फिर से आपको वही करना है, यही फंदे फिर से उठा लेने हैं आपको, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था। एक फंदा तो ऑलरेडी पहले से ही है, बाकी 11 फंदे आप उठा लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये आपके पहले से ही फंदे हैं, हो गई 11 फंदे। अब देखिए, आइए राइट साइड। अब राइट साइड सब सेम टू सेम हो गया। अब सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे पूरी सिलाई के फंदे को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे फंदे देखिए, एड़ी बन के सारे फंदे हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। देखिए इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट। अब देखिए ये वाला हो गया, ये इधर भी कंप्लीट, ये इधर भी हो गया। अब गाइस आपको दूसरा कलर लगाना है। जैसे आपने यहाँ 4 लाइन बनाई, वैसे अब यहाँ से यहाँ तक आप 11 लाइनें बनाएंगे। 11 देखिए, सिर्फ ये पर्पल वाला, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अब आपको भी ऐसे 11 लाइनें बना लेनी है। हो गई गाइस, देखिए हमने यहाँ पर 11 लाइन मतलब 11 लाइनें कंप्लीट कर ली। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, पर्पल कलर की 11 लाइनें हमारी तैयार हो गई। अब देखिए दोनों सॉक्स में आपको सिर्फ एक चीज़, देखिए सब कुछ तो सेम टू सेम बनेगा। अब इधर हमने देखिए बनाया है अंगूठा, बाकी फिंगर्स इधर बना है, ठीक। अब अंगूठा ये राइट साइड मान के चलिए इधर, तो अब ये अंगूठा जो है अगर ऐसे देखिए तो ये ऐसे समझ में आएगा, ये भी हमारा राइट साइड एंड ये भी हमारा राइट साइड है ना, तो अंगूठा इधर बना हुआ है, तो इस बार अंगूठा इधर बनेगा। बस यही आपको चेंज करना है, मतलब जब दोनों पल्ले आप बनाओ तो एक अंगूठा इधर बना दो, एक साइड का अंगूठा इधर बना दो, एक साइड का अंगूठा इधर बना दो, बस इतना ही आपको चेंज करना है, ध्यान देना। तो ये कलर हमारा अब कोई काम का नहीं है, तो हमने इसे कट कर दिया। अब इसके बाद बनाएंगे, तो आगे उल्टे की तरफ। अब यहाँ हमको बनाने हैं अंगूठे। तो गाइज अब ये हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें अंगूठा बनाना है इधर। हो गई गाइज, अब देखिए हम एक सिलाई उधर से बुनिए। अब राइट साइड एक वो वाला अंगूठा हमने इधर बनाया है और ये वाला अंगूठा हम इधर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 16 फंदे बुनेंगे। पहले को स्लिप करेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदे जब हम बुनेंगे तो यहीं से ऐसे टर्न कर लेंगे। फिर यहाँ से पहले को स्लिप किया, बाकी फंदे ऐसे हम बनाएंगे इसे, 12 सिलाई हम इसे ऐसे ही बुन लेंगे। तो हो गई गाइस, 12 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई, अभी दिखा रहे हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एक 12, मतलब 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, ये 16 फंदे के हम 8 फंदे कर लेंगे। दो फंदे को एक साथ इस प्रकार से ये हमारे जो 16 फंदे हैं उन्हें हम कर लेंगे 8 फंदे। ये बहुत ही अच्छा ऐसे अंगूठा बनाइए आप, बहुत ही अच्छा अंगूठा बनकर तैयार होगा। ये हो गया, अब देखिए अब ये 8 फंदे को एक बार फिर से राइट साइड सीधे की तरफ से बुन लीजिए। 8 फंदे 8 बचे ही हैं, तो 8 फंदों को एक बार आप ऐसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया, अब उल्टे की तरफ हो गई गाइस। अब देखिए इन्हीं फंदे में हम सारे फंदे को क्रॉस करा देंगे ऐसे।
ये लास्ट वाले फंदे में ये हो गया। ये इसके बाद इसे हम एक बार बुन लेंगे, हो गया। हम इसे कट कर देंगे। हो गया जी, अंगूठा बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सुंदर बना है ये। इसके बाद यही इतना सिलना होगा, बस अंगूठा बनिए। अब देखिए बारह फंदे को अब फिर से यहाँ पर धागा लगाएंगे। ये यही ऐसे गांठ मार देंगे। हो गया। अब देखिए अब ये दोनों फंदों को आप पूरे फंदे को गिन लीजिए कि कितना फंदा है आपका। तो यहाँ हमारे पूरे टोटल हैं 31 फंदे। तो 31 फंदे को आप डिवाइड करिए, पहले बीच के एक फंदे को छोड़ दीजिए, तो कितना होगा 30 इधर एंड 30 इधर। तो सबसे पहले 15 इधर 15 इधर 30 में, तो 15 फंदे पहले आप बुन लीजिए। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 फंदा बुनना चाहिए, तो 14 फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे। एंड 3 फंदे हम यहाँ पर बनाएंगे चैन, जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये देखिए। तो वैसे बनाएंगे, इसके लिए पहले 2 फंदे को ऐसे करेंगे, पलट देंगे, फिर 3 फंदों को, 2 फंदा ये एंड 1 फंदा ये, एक साथ बुन लेंगे। ये चेन हमारी बन गई। अब वही 14 फंदा बचे हैं, उसे हम ऐसे ही बुन लेंगे। हो गया। अब देखिए उल्टे की तरफ हमको उल्टा ही उल्टा बनाना है, और सीधे की तरफ हमको हर बार चेन बनानी है। कितने सिलाई बुननी है, 12 ही सिलाई आपको बुननी है। तो देखिए फिर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया। अब 13 फंदे बचे हैं। अब फिर से वही करना, चैन वाले फंदे के आगे वाले फंदे को ऐसे ही आप पलट लीजिए, फिर दोनों को इस सिलाई में ले लीजिए एंड तीनों को एक साथ बुन लीजिए। ये हो गया। इसके बाद सारे फंदे को आप सीधा सीधा इसी प्रकार से आप कम से कम 12 सिलाई बनाइए, जैसे 12 इधर बनाए वैसे 12 इधर बनाइए। अब ये देखिए गाइस 12 लाइनें ये भी पूरी हो गई। अभी दिखाते हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गई। अब 12 लाइनें पूरी हो गई। इसके बाद ना हमको यहाँ पे 50-50 फंदे करके ऐसे करने हैं। ये कितने फंदे हो गए दिखाते हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 10 2, 4, 6, 8, 1, 9 क्योंकि एक फंदा ये जो है वो बीच का है। तो अब इसे क्या करेंगे, अब यहीं पे हम इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट कैसे करेंगे, ये दो एक फंदे इधर से लिया एंड एक दो एक फंदे इधर से, एक फंदे इधर से, ये दो फंदे एक साथ। इसके बाद इन्हीं दोनों फंदों को क्रॉस करा देंगे, ये ऐसे। फिर से वही करेंगे, दो फंदे को एक साथ बुन लेंगे, इसके बाद इन फंदों को एक साथ क्रॉस करा देंगे। एक मिनट ये उठा लिए, ये हो गया। इसी प्रकार से सारे फंदे को हम क्रॉस करा लेंगे।
ये हो गया लास्ट, ये हम गांठ बांध देंगे। ये देखिए ये बन गया, कितने सुंदर सी फिंगर हमारी तैयार हो गई। अब हो गई गाइस ये अंगूठा भी तैयार, एंड ये तैयार हो गया। अब इसे हमें सिलना है, उल्टा कर दें ऐसे। ये इसे यहाँ तक सिलना है, पहले इसको यहाँ तक सिलेंगे, इसको यहाँ तक सिलेंगे। पहले ये दोनों हम सिल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद हम बताते हैं कैसे सिलना है। ये यहाँ से यहाँ तक हम सिल लिए, अब यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। हो गई, यहाँ से यहाँ तक हमने सिल लिया, अब यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। हो गई कंप्लीट। हो गई गाइस, सॉक्स बनकर हमारा हो गया कंप्लीट। इसे हम करेंगे सीधा। ये इसमें हमारी एड़ी भी बन गई, एंड मेरा पूरा फिंगर्स सब कुछ अच्छे से बनके तैयार हो गया। एंड बहुत ही आसान तरीके से आप बनाओगे ना, बिल्कुल मतलब शुरू से अगर आप बनाना चाहोगे बहुत ही आराम से वीडियो में देखकर आप बना सकते हो। ये देखिए हो गई ना ये। अब इसे हम आपको पहन के दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने अपने पैर में ही डाल ली है, ये देखिए दोनों पैर। अब आप देख सकते हो कितना सुंदर सॉक्स बना है। यहाँ हमारी एड़ी, ये हमारे थंब, ये सब कुछ। तो फ्रेंड्स, आपको ये सॉक्स कैसे लगा हमें बनाइएगा, पूरा तैयार करिएगा, पहनिएगा, इसके बाद कमेंट करिएगा कि आपको ये कैसे लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।